मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुक्रवार की रात भाजपा नेता की रिवाल्वर से वेदिका ठाकुर नाम की एक लड़की को गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा फरार हो गया है। गोली चलने की घटना प्रियांश के ऑफिस की है। लड़की MBA की छात्रा बताई जा रही है, वह प्रियांश की दोस्त भी बताई जा रही है और सूत्र तो यह बताते हैं कि प्रियांश की वेदिका गर्लफ्रेंड है। फिलहाल यह साफ बात नहीं हो पाई है कि गोली कैसे लगी है। हालांकि जैसे ही यह पूरी घटना हुई उसके बाद प्रियांश विश्वकर्मा अपनी रिवाल्वर लेकर और अपने दफ्तर के CCTV फुटेज मिटाकर वहां से फरार हो गया है। फिलहाल प्रियांश ने पूरी कोशिश की थी कि कोई निजी डॉक्टर उसे मिल जाए ताकि वेदिका का इलाज हो सके। वेदिका के कमर में गोली लगी है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिल सका, जिसके बाद शाम को वेदिका को अस्पताल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा है कि प्रियांश ने अपने ही दफ्तर में अपनी ही प्रेमिका पर गोली चलाई है। फिलहाल यह प्रियांश नाम का शख्स फरार बताया जाता है, जो भाजपा का नेता है और इसने अपने ही दफ्तर में वेदिका ठाकुर पर गोली चलाई है, जो एक छात्रा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब पड़ताल कर रही है। सुनील सेन, खबर एक्सप्रेस न्यूज, जबलपुर। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत आज एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जो कि आहत महिला है वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल गोहलपुर में अभी एडमिट है। और ये घटना क्यों हुई और इसके पीछे का क्या कारण था, इस पर अभी हम जांच कर रहे हैं। किसका नाम आ रहा है मैडम? इसमें प्रियांश विश्वकर्मा है कोई व्यक्ति, उनका बताया जा रहा है कि उनके द्वारा उनके ऑफिस में ये घटना हुई है। बाकी अब गोली खुद से महिला के द्वारा चला के रिट्रीट होके उन्हें लगी है या किसी के द्वारा चलाई गई है, इस पर अभी हम लोग क्लियर नहीं है, इस पर जांच चल रही है। कितने बजे की घटना मैडम, क्या हालत बच्ची की? ये घटना दोपहर की बता रहे हैं, अभी एग्जैक्ट टाइम हम लोग को पता नहीं है क्योंकि जो महिला है अभी कॉन्शियस नहीं है, वो अभी ICU में भर्ती है मेट्रो में। कहाँ की रहने वाली, पता चला है? जी, वो यहीं इसी क्षेत्र की रहने वाली है, अभी तक ऐसा पता चला है। बाकी अभी वो जैसे ही कॉन्शियस होगी तब उसके बयान लेंगे, तब चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब मौके में आके आपने देखा है, क्या घटनास्थल में क्या देखा गया और क्या प्राप्त हुआ, क्या घटना? जो घटनास्थल है उसको अभी सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा और FSL टीम अभी आ रही है, उनके द्वारा अब इसका निरीक्षण किया जाएगा। CCTV कैमरा लगा है परंतु DVR अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये बताया जा रहा है कि DVR शायद प्रियांश खुद लेकर चला गया है। तो अभी आरोपी को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी फरार है और बाकी अभी जांच इसमें चल रही है, फिर धीरे धीरे फैक्ट्स क्लियर होंगे। अभी FIR हुई नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया कि जब लड़की का बयान लेंगे तभी क्लियर होगा कि गोली कैसे चली है, उसके बाद ही कायमी करेंगे हम लोग। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93।